असम में मैं जन जन करके 1,00,000 लोगों को नौकरी देने जा रहा हूँ। असम में मैं जन जन करके 1,00,000 लोगों को नौकरी देने जा रहा हूँ। असम प्रजाला तारुपुनामी अंडरकीना हृदय पूर्वक नमस्कार मुल्लो। तो क्या कि मुझको और एक बार हैदराबाद में आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? 2023 में यहाँ में बीजेपी सरकार का शपथ होने वाला है और उसमें मुझको आना पड़ेगा। लोगों का एक विश्वास हो गया है कि अभी नरेंद्र मोदी जी का साथ मिलके एक नया तेलंगाना बनाना है, यह लोगों का मन में विश्वास हो गया है। इसमें को हमारा शपथ हुआ। चुनाव का समय हमारा नेतागण बोला कि अगर असम में बीजेपी सरकार होगा तो 1 साल में 1,00,000 नौजवान का नौकरी मिलेगा, सरकार में नौकरी मिलेगा। तो अभी चुनाव हो गया, लोग तो चुनाव का बात भूल जाता है। हमारा यहाँ केटीआर साहब बोला कि 2,00,000 नौकरी देगा, भूल गया ना? अभी दिया है क्या? नहीं दिया है ना? दिया है क्या? भूल गया? तो मैं अभी केटीआर साहब को बोल रहा हूं कि 1 मई से 10 मई तक टीवी में देखते रहिए कि असम में मैं गन गन करके 1,00,000 लोगों को नौकरी देने जा रहा हूं। 1 साल में 1,00,000 नौकरी का वादा था, बीजेपी सरकार किया था, मोदी जी ने किया था, और ये हम लोग 100% करने जा रहा हूं। केटीआर गारू साहब इतना 9,00,000-10,00,000 करोड़ का रुपया का ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन सरकार में वैकेंसी है, नौकरी खाली है, लेकिन वो किसी को नौकरी नहीं दे रहा है। इसलिए आपका लेर का बच्चा के लिए उनका चिंता नहीं है, उनका खाली उनका बच्चा के लिए चिंता है और बाकी किसी के लिए उनका चिंता नहीं है। राजा का कोई बाल बच्चा नहीं होता है। नरेंद्र मोदी जी देश के लिए समर्पित है, सौकर भारतवासी के लिए समर्पित है, और हमारा केसीआर साहब किसके लिए समर्पित है? अपना बेटा के लिए समर्पित है और किसी के लिए वो समर्पित नहीं है। अरे भाई, अगर 3,00,000 सरकारी कर्मचारी आपसे नाराज है तब कौन सा सरकार चला रहा है? अब तेलंगाना प्रदेश चला रहा है कि अपना फार्म हाउस चला रहा है, वो मेरा डाउट होने लग गया है। মাইনিউজনীৰ বিশেষ অনুষ্ঠান আপোনাৰ সমষ্টি আপোনাৰ বিধায়ক। আমি যাম প্ৰতিটো সমষ্টিলৈ, কি কয় মন্ত্রী বিধায়কে, কি কয় সাধারণ রাইজে, প্রতিটো সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ গ্ৰাউণ্ড জিৰো ৰিপৰ্ট। অসীম কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে বিশেষ অনুষ্ঠান আপোনাৰ সমষ্টি আপোনাৰ বিধায়ক।